नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनसभा विश्वास यात्रा के माध्यम से हुंकार भरी। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी का सम्मान है, वह बुजुर्ग है, पर उनसे अब बिहार नहीं चलेगा। आप लोग हमारी पार्टी का साथ दीजिए और हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। गन्ना किसानों के लिए हमारी पार्टी ने 20 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाया है। नीतीश कुमार ने जब विधानसभा भंग कर वो लोकसभा का चुनाव कराना चाहते थे उन्होंने, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो एक भी सीट अब जीत नहीं पाएंगे और ना ही मोदी जी को भी एक सीट मिलने वाली है। और उन्होंने कहा कि एक टर्म में 3 बार शपथ ली, अभी जबकि 2 साल बाकी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब तैयार रहिए, हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। बार बार तो चुनाव, बार बार तो चुनाव, बताइए मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी, 5 साल चला लेते, कोई हटा रहता है उठा कर देगा। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी दूसरी बात लिए। देखा आपने, तेजस्वी यादव ने वही नहीं रुकते हुए नीतीश कुमार पर भी और भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि अगर 17 साल में 17 काम ही उन्होंने किया होता तो मैं बता सकता था। 10-12 सीट पर उन्होंने दगाबाजी से हमें हरा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी मेरे माता पिताजी से माफी उन्होंने मांगी लेकिन फिर भी नहीं टिके। पिताजी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें फिर से शामिल किया। हम लोगों ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। वो लोग बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा क्या, लेकिन फिर भी मैंने नौकरी दिया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि यह असंभव है, 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी देना बहुत बड़ा काम है और जिसमें हमने सारी नौकरियां दी 5.5 लाख और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको नौकरी देना था तो 17 साल भाजपा और आप लोग रहे, आप तब क्यों नहीं दिए, आप तभी क्यों दिए जब हम 17 महीना सरकार में थे। तो ये श्रेय लेने का बात नहीं है, सब लोग जानता है कि काम कौन किया है। तो इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, हम किसी को गड़ियाने नहीं आए और ना हमको गुस्सा है किसी बात का। हम बस यही चाहते हैं कि जो काम करेगा आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए, मजबूती के साथ खड़ा होने का काम, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। उस समय नियोजित शिक्षक वाला लोग कितना साल से आंदोलन कर रहा था, समान काम समान वेतन कई सालों से कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हम लोग का चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। और वो निर्णय कब हुआ, हमारे सरकार में हुआ, यानी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। और अभी आप लोग सब लोग यहाँ है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाथ जो है वो मजबूत कीजिए और इसीलिए आप सब लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं 3 तारीख को, 3 मार्च के आतवार का दिन पड़ता है, 3 मार्च हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में।
आदरणीय लालू जी आप सब लोगों के समक्ष रहेंगे, बात करेंगे और आप सब लोग सबको न्योता देते हैं। बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा, हाथ उठा करके बताइए आइएगा कि नहीं आइएगा। पटना आएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो रहा पटना आइएगा तो अपने ही लोग का पटन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आप सब लोगों को न्योता भी देते हैं आइए पटना। और ये भी बोलेंगे कि भाई जितने हम लोग हमारे समाज के लोग हैं सब लोग हैं, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे दलित समाज के भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, चाहे अगले भाई हो या पिछड़े भाई हो, सब लोगों को दोस्ती कीजिए। तो देखा आपने तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड में नजर आए और वो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमलावर रहे। ऐसे में नीतीश कुमार ने जब ये बयान सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बात चुभने वाली है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।